तो दोस्तों मैं बता रहा था कि फ़ोन की अनबॉक्सिंग पहले हो चुकी है, उसमें एक कमी थी जो हमने इसको एक बॉक्स बनाया है इसका। पिछली बार वो बॉक्स हमने आपको नहीं दिखाया था, तो मैं आपको इसमें आ रहा हूँ बॉक्स दिखा देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर आपको फ़ोन का सीई मिलेगा, दिनेश जी युद्ध सीरीज का सी तैयार हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारा सी इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा। ये पैकिंग किया हुआ सी है, इसको मैं खोल नहीं रहा, पता नहीं किसकी किताब है ये पैक करी है। जो सी पिछली बार आपको दिखा चुका हूं मैं, ये इसका स्लिप केस कवर है, बहुत ही भव्य बहुत ही शानदार कवर है। ये उसकी स्पाइन है, ये दोस्तों न जाने अब तक ये जो पहुंच रही है लाइव इसमें कैसा दिख रहा है, लेकिन जब आप अपने हाथों में लेंगे तो आपको इसका पता लगेगा कि कितनी शानदार किताब है ये। अब मैं इसको खोल के बाहर निकालता हूँ बुक को। बुक पहले भी दिखाई जा चुकी है, ये आप देख सकते हैं इसमें सिल्वर गिल्डिंग हुई हुई है बुक में। इसका क्या दिखाना, कॉम्बो तो ऊपर दिखाएंगे। किताब में दिखा चुका हूँ तो अभी आपका समय नष्ट नहीं करूँगा मैं। आलोक जी एम्बॉस फॉइल प्रिंटिंग है, एम्बॉस नहीं है ये, लेकिन ज़बरदस्त फॉइल प्रिंटिंग है ये, अपनी तरह की अनोखी है। और मुझे लगता है कि ये आपने ऐसी फॉइल प्रिंटिंग नहीं देखी होगी। तो हाँ ध्रुव जी, शानदार सी है फोन का। रोहित जी परमाणु के जनरल्स की पिक मैंने डाली थी, अब मैं आपको अपने हाथों से उन्हें दिखा देता हूँ। धन्यवाद आलोक जी। अनुज जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दोस्तों ये है परमाणु की मेगा सेट की, मेगा सेट नंबर 2 की 11 कॉमिक्स। केमिको मनु जी का कवर है, जिसको धीरज जी ने कलर किया है। इसके बाद घोंगा है, ये परमाणु की बेहतरीन कॉमिकों में से कुछ कॉमिक्स हैं। बारूद का खिलाड़ी आप देख रहे हैं, तिरछी टोपी, 64 पेज का विशेषांक है ये। इसके बाद आपके सामने स्टीमर, तिरछी टोपी का आप ऐड देख सकते हैं, बेहतरीन परमाणु की कॉमिक्स रही है स्टीमर। आप इसको विलेन को भूलेंगे नहीं कभी, बहुत बहुत ही शानदार है। और अगर आपको याद हो घोंगा जो मैं पहले दिखा चुका हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये घोंगा एक करेक्टर था जो बहुत ही, इसकी स्पीड कम थी, इसको कोई पैरों में बीमारी थी,
फिर बाद में ये कुछ गैजेट्स लगा के और अपराध करता है स्पीड अपनी बढ़ा के। सुनील जी धन्यवाद, कोशिश रहेगी कि डाइजेस्ट आ सकें। लिम्पेट बम आपके सामने है, अब आपके सामने है इतिहास। इतिहास करेक्टर परमाणु के कॉमिक्स में कई बार आया है, जो इतिहास को जिंदा कर देता है। देवऋषि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, रफ्तार सिंह नाम था गुंगा का। देवऋषि जी इतिहास का भी कुछ नाम था, अगर आपको याद हो तो वो भी बताइए। अतुल जी मेरी कोशिश रहेगी परमाणु को वापस लेके आएंगे, लेकिन जहाँ तक सभी को पता है कि परमाणु अपनी जान से हाथ धो बैठा है। सूरमा एक बेहतरीन कहानी थी अतुल जी, अनुपम सर ने बनाई थी और लिखी थी, बहुत ही बेहतरीन कहानी आपने याद दिला दी मुझे। धन्यवाद रोहित जी, सही कह रहे हैं लोग जी। आतिशबाज अमिताभ जी जैसा शहंशाह जैसा दिखता होगा। आलोक जी कोशिश करेंगे। देवऋषि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कॉमिक जल्दी आपके पास आने वाली है। दोस्तों आपके सामने आतिशबाज, यदि आपको याद हो तो इसके बारे में कुछ बताइए। हर घर बारूद के 3 पार्ट की कॉमिक्स थी, तीनों ही भाग इसमें आ रहे हैं और अंत में ये ऑटोमेटिक सॉरी परमाणु का ये विशेषांक है। इस तरीके से 11 कॉमिक्स कंप्लीट होती हैं और इन 11 कॉमिक्स को हम कल या परसों में सेलर्स के पास डिस्पैच कर रहे हैं। हाँ विशाल जी आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही याद है आपको। परमाणु कणों में विखंडित हुआ था लेकिन अभी रिफॉर्म नहीं हो पाया है। आतिशबाज गुंगा है, तो देवऋषि जी का कहना है सेट मैं दिखा दूंगा, मैं कोई तगड़ा धमाका करूं। मेरे पास मेरे ख्याल में अभी बहुत दिनों से बहुत समय से लोग बाग इस सेट को लेकर परेशान थे परमाणु के, अब मेरे हाथ में देख के कुछ उनको तसल्ली रही होगी। और एफोन को लेके भी, एफोन का सी जो काफ़ी डिले हो गया था उसको भी, अब ये बिल्कुल तैयार है, पैकिंग हो गई है सभी कॉमिक्स की और कल या परसों में ये भी लोगों के पास सेलर्स के पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये 11 कॉमिक्स परमाणु की एकदम तैयार हैं, जो कि डिस्पैचिंग इनकी पैकिंग और डिस्पैचिंग शुरू है। इसके बाद मेरे पास जो एक और कॉमिक्स है, काफ़ी डिले चल रहा है, जिसका हमने अप्रैल के अंदर घोषणा किया था कि अप्रैल में आ जाएगा और आज 1 मई हो गया है, और लेकिन तैयार है कॉमिक्स और बहुत जल्दी ही इसकी पैकिंग और डिस्पैचिंग, ये बाकी दोनों कॉमिक्स एफोन और परमाणु के बाद शुरू हो जाएगी। अशोक जी गुड इवनिंग, आलोक जी बिल्कुल हक से लीजिएगा, भानु प्रताप जी कह रहे हैं बहुत खुशी हुई देखकर, धन्यवाद भानु जी। तो मैं सामने आपके लेके आया हूँ नाग पर्व, नाग ग्रंथ का दूसरा भाग आदि पर्व के बाद, नरक नाशक नागराज। इसकी जो उत्पत्ति श्रृंखला है 4 कॉमिक्स की, सभी ने बहुत पसंद की, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप सबका आभारी हूँ। और इस
कॉमिक्स को तैयार करने वाले पूरे दल का आभारी हूँ। नितिन मिश्रा जी, हेमंत कुमार जी, विनोद जी, जगदीश जी, मंदार, भक्त रंजन जी, पीयूष जी, धन्यवाद। हेमबाला जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नीरज जी, हेलो। इंद्रशीष जी, धन्यवाद। दोस्तों, आप चाहें तो मैं इसे खोल के भी दिखा सकता हूँ। अतुष, धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, नाक पर भी है ये। भानु प्रताप जी, ये तो आप पढ़ के बताएंगे कि धमाका है या नहीं है। आलोक जी, फुरफुरे से, चले आपके कहने से हल्के से फुरफुरे से दिखा देता हूँ। अगर और इत्मीनान से देख रहे हैं तो वो भी दिखा सकता हूँ। तो ये बैक कवर आपने डिमांड की है, बैक कवर ये है। इसमें आप देख सकते हैं क्रोध केतु कोबी को। बहुत से लोगों को इससे पीछे मैंने एक आर्ट शेयर किया था, इसमें आप अंतहीन को भी देख सकते हैं, यानी एंथोनी को, जिसमें ये शिकायत की थी कि ये वर्वुल्फ क्यों बनाया गया है। अच्छा रहेगा कि अगर आप कहानी पढ़ें और फिर समझें कि ये एक्चुअली करेक्टर क्या है, कि कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएगी कि ये किरदार है क्या। आप देख सकते हैं इसमें क्रोध केतु को भी है, इधर अंतहीन एंथोनी है, बैकग्राउंड में उसके क्रोज हैं, कौए हैं, और नीचे कैप्टन है। रैंडमली खोल देता हूं कोई भी एक पेज, ये देख सकते हैं आप, नागराज नगीना के साथ है इसमें। ओ, ये तो एंथनी के साथ, इसका अंतहीन के साथ इसका पहला मुलाकात है, पहली मुठभेड़ है, दोस्ताना है, या इसमें कोई गहरा राज है, वो तो पढ़ के ही आपको पता लगेगा। भानु जी, धन्यवाद। इंद्राशी जी, धन्यवाद। आर्ट वर्क अच्छा है और आगे और अच्छा होता जा रहा है जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है। श्री निकेत जी, आपकी फरमाइश जरूर पूरी करते हैं, आपको आधिपत्य भी दो मिनट में दिखाते हैं। मित्र, ये कॉमिक्स भी तैयार है ऑलमोस्ट, और इसी हफ्ते में ये कॉमिक्स भी रिलीज कर दी जाएगी, नई कॉमिक्स नागपर्व और इसके साथ आधिपत्य। और जैसे कि मैंने पहले भी वायदा किया था, आगे भी कॉमिक्स जो हैं, हाँ दक्ष जी, महंगी है क्योंकि कंटेंट बहुत महंगा है, इसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया है, उस हिसाब से कुछ लोगों को महंगी लग सकती है, लेकिन जो किताब है, जो कहानी है, जो आर्टवर्क है, जो पूरा इसका जो ये चीज़ है, वो वर्थ है। सही आपने इसमें पहचाना है कि इसमें वाइट बॉर्डर्स हमने हटा दी हैं। ओ, ये वो पेज है जो काफ़ी दिन दो दिनों से सिरदर्दी बना हुआ है, परिरक्षक भोकाल और गोजो। इसके बारे में बहुत से लोग बहुत मज़ेदार अटकलें लेके चल रहे हैं कि शायद ये कॉमिक्स को खींचा नहीं जा रहा है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है नरकनाशक के, ब्रह्मांड के जो पात्र उसके अंदर हैं उनका। आशा है कि कॉमिक्स पढ़ने के बाद आप निर्णय लें कि ये सब चीज़ जो चल रही हैं वो क्या है, किधर किस दिशा में कहानी जा रही है। विशाल जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये किताब मैंने अब आपको दिखा दी है पूरी, एकदम रेडी है ये किताब। अब आते हैं हम आधिपत्य पे। ये भेड़िया सीरीज की सॉरी शुद्धिकरण सीरीज की, भेड़िया की शुद्धिकरण सीरीज का द्वितीय भाग है, दोषपूर्ण के बाद
अधिपत्य है। किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मेरे पास ये डमी कॉपी कुछ दिन पहले आ गई थी, लेकिन इसमें एक कमी है कि इसमें अभी लिखाई नहीं हुई है। आधिपत्य जो यहाँ पर फॉइल प्रिंटिंग से नाम आना है वो अभी नहीं आया है, तो कवर मेरे ख्याल में कल ये कवर पूरा हो जाएगा और परसों से ये कॉपी है मेरे पास आनी शुरू हो जाएंगी दोनों। सिद्धार्थ जी धन्यवाद। कवर आप देख सकते हैं, नरेश कुमार जी द्वारा बनाया गया कवर है और प्रदीप शेरावत जी ने इसे कलर किया है। बेहतरीन आर्टवर्क और बेहतरीन कलरिंग आप जब ये आपके पास जाएगी आप पाएंगे। और आप चाहते हैं कि इसे अंदर से भी मैं दिखा दूँ, तो अंदर से मैं इसको जैसे आलोक जी ने कहा था फुरेडी करके दिखा दें तो वैसे दिखा देता हूँ। अटक गई, नीरज जी धन्यवाद। कॉमिक्स वाकई काफ़ी अच्छी और शानदार है, कलरिंग भी आर्टवर्क भी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। ये हमारा आभार पत्र है और ये इसका क्रेडिट पेज है। आशा है आपको पसंद आई होंगी दोनों ही कॉमिक्स, नई वाली भी और F1 का CE भी, उसका बॉक्स भी और 11 कॉमिक्स परमाणु के भी। हंटर शार्क फोर्स जिंदाबाद जिंदाबाद। आलोक जी मेरे पास किताबें नहीं है, आपने मुझे कहा था कि हंटर शार्क फोर्स की बुक्स आप मुझे भेजेंगे, अगर आप भेज देंगे तो मैं फिर शायद उसको निकालने की कोशिश कर पाऊँ। बाकी जो भी मित्र अपने सवाल रख रहे हैं अन्य कॉमिक्स के लिए, आशा है वह सभी उनके डिमांड्स पूरी की जाएंगी जल्दी ही। दोस्तों जल्दी मैं बोल तो देता हूँ लेकिन जल्दी कर पाना मेरे लिए संभव होता नहीं है। अश्वराज है या नहीं मैं देख लेता हूँ। दोस्तों अशुराज कहाँ छुपे हुए, अरे अशुराज तो मिल ही नहीं रहे। ये रहा अशुराज, अरे हाँ अशुराज है इसमें, अडिग भी दिख रहा है। ये मैं कल आपके साथ साझा करने वाला था पेज, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो मैंने दिखा दिया आपको। और कुछ दोस्तों, और कुछ आपको अगर जानना है कॉमिक्स के बारे में। नेक्स्ट सी कौन सी आ रही है प्री ऑर्डर पर? अभी काफ़ी सारी सी जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, कहना मुश्किल है कि एकदम कौन सी आ जाएगी। सबसे पहले युद्ध सीरीज आएगी, ऑलमोस्ट तैयार है, मैं आशा करता हूँ कि अगले हफ्ते वो प्रिंटिंग में चली जाएगी। दोस्तों जो पेपर प्रिंटिंग को लेके उसका जानना चाहते हैं कि प्राइस कॉस्टिंग और ये सब चीज़ें, ये असल में समझाना बताना बहुत मुश्किल है। आप इसके लिए बहुत ही आसान काम है, किसी भी प्रिंटर के पास जाके उससे समझ सकते हैं कि 1000 कॉपी 2000 कॉपी या 3000 कॉपी
अगर मुझे छपवानी है आप कॉमिक्स उसके पास लेके चले जाएं, उसको पेपर क्वालिटी दिखा दीजिए, और फिर आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है और क्या प्राइसिंग इसकी की गई है। सच मानिए, इसमें कोई भी आपसे धोखा नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से अगर मैं कुछ आपको बताऊंगा तो उस पर विश्वास करना है आपको तो वैसे ही कर लीजिए, और अगर विश्वास नहीं करना है तो फिर अच्छा रहेगा कि आप जाके भी किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में अपने शहर में इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हु सीरीज का सी और हु रिटर्न्स कब तक एक्सपेक्टेड है? मित्र, हु सीरीज का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या आर्टवर्क पूरा हो गया है, उस पर इंकिंग चल रही है अभी, तो बहुत जल्दी 32 पेज की वो कॉमिक्स आपके लिए लेके आएंगे। F1C के साथ जो नवल्टीज हैं मैंने शायद पहले दिखा दी थी, अभी मेरे पास यहाँ रखी नहीं है और जो है वो पैक है। एक सेकेंड, ये किसके साथ है? F1 के साथ है। मेरे पास पैकेट उसका, इसकी पूरी किट मिल गई है, मैं दिखा देता हूँ। भानु जी, वेरिएंट कवर की डिस्पैच भी जल्दी इसी वीक में करने का पूरी संभावना है। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा कॉमिक्स हम रिलीज़ करने वाले हैं, और अगले हफ्ते भी, इस हफ्ते और मतलब अगले 10 दिन में बहुत सारी कॉमिक्स आपके पास आएंगी। तो दोस्तों, ये जो है वो स्टैंडीज है जो F1 के साथ है, इसमें आप देख सकते हैं नागराज और विसर्पी का एक बहुत ही खूबसूरत पोज है। ये मैग्नेटिक स्टिकर है, इसमें हमने कवर वाला डिज़ाइन जो है उसको लिया है। ललित शर्मा जी का ये आर्टवर्क है। ये MDF मैग्नेट स्टिकर है, फ्रिज स्टिकर। इसमें सारे करेक्टर हैं जो कि F1 में हैं, पंचनाग, चौडांगी, विसर्पी और बाबा कालदूत। बाबा कालदूत जो कभी नहीं हारते। आलोक जी, उस पर आप एक राउंड सा स्टिकर आता है वो चिपका लीजिएगा। तो दोस्तों, ये 3 नवल्टीज मैंने आपको दिखाई, इसके अलावा इसमें 19 कवर कार्ड हैं। श्राप, पैरो, अधूरा प्रेम, रणनीति, नाग ज्योति, ये आपके कवर कार्ड की जो राजकमल भाई संजय गुप्ता की पूरी कलेक्शन जो है उसमें 4 चांद लगाएंगे। प्रतिशोध, पंचनाग, मिलन यामिनी, कोबराक, स्केरी, पराजय, काल सर्प, नेवला तंत्र, विष्या, युगल सृष्टि, परम विष्या, अम्बरीश, देवकन्या और पागल नागिन। हेमंत जी द्वारा बनाया हुआ कवर है, ये बेहतरीन कवर है। और अंत में ये स्केच कार्ड है, सी का जो कवर है उसी को हमने इसमें दिया है स्केच कार्ड में। ललित जी का आप सिग्नेचर यहाँ देख सकते हैं। जो भी दोस्त एक्शन फिगर की डिमांड कर रहे हैं, एक्शन फिगर एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब है,
और बहुत महंगा पड़ता है। अभी पीछे हमने डोगा का वो लेके आए थे हेड, उसकी कोई खास सफलता नहीं मिली है। तो जो पहले चीज़ बनाई है अगर वो बिक्री नहीं हो पाएगी तो आगे उस पर इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। प्रशांत जी अभी दोबारा दिखा देता हूँ। आरवो जी डोवा की नई कॉमिक्स ऑलरेडी आ चुकी है, रक्तदाता सीरीज की कचरा पेटी और मेरी सोनू, आप उन्हें खरीदें। और उसका तीसरा भाग जो है वो बलिदान तुम्हारा जल्दी ही आप तक पहुँचेगा। एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मोबाइल स्टैंड जो कि कॉम्बो के साथ है नागपुर के। आदि पर्व अभी कोई पूछा था, आदि पर्व स्टॉक में लगी है, अभी तो संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कुछ सेलर्स के पास आदि पर्व अभी भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। जिनके पास भी है आप उनसे ले सकते हैं। ये बेहतरीन एक्शन पोज है अपने नरकनाशक नागराज का, हेमंत कुमार जी द्वारा बनाया हुआ। इसको हमने इस मोबाइल स्टैंड पे लिया है, कवर डिज़ाइन यही है। और इसके अलावा इसमें अपनी कहानी खुद कह रहा है, इसमें आप देख सकते हैं एक नागराज है, दो नागराज है, तीन नागराज है और चौथा तोसी है। तो ये कहानी का रहस्य है, वो कहानी पढ़ के ही आपको पता लगेगा कि ये सारी मारधाड़, एक्शन, लड़ाई, झगड़ा, घूसा और सब क्यों चल रहा है। हाँ जी, आधिपत्य, तो आपने आधिपत्य एक बार फिर दिखाने को कहा था, ये देख सकते हैं अब आधिपत्य है। फ्रंट कवर, बैक कवर, कहानी का संक्षिप्त विवरण और जो बात एक मुझे बहुत अच्छी लगती है भेड़िया के साथ जुड़ी हुई, ये टैगलाइन, नियम भंग तो पतन निश्चित। अंजन जी ये कॉम्बो के साथ है मोबाइल स्टैंड, अलग से नहीं है। अंकित जी नमस्ते। देवांगी उस पर काम चल रहा है, इनफैक्ट बहुत सारी कॉमिक्स पे काम चल रहा है। अब जो जो जैसे जैसे तैयार होती जाती है आप तक पहुंचा दी जाती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, अंदर का पेज दिखा देता हूँ मैं आपको। नमस्ते प्रहलाद जी, आपके सवाल का अभी जवाब नहीं दे सकता। नागपर्व हार्ड बाउंड के साथ एमडीएफ स्टिकर कौन सा है? इसी साइज का नहीं है ना? मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी एक्चुअली वो कल बन के आएगा। डिज़ाइन ये है, ये एक हमने एक्चुअली मोबाइल स्टैंड दो सैंपल बनवाए थे, एक नागराज का ये वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और सैंपलिंग करवाई थी तो इसमें एक भेड़िया का ये करवाया था। तो फाइनल नागराज जीत गया उसमें। यशु जी नमस्कार। भेड़िया का ये जो डिज़ाइन है ये हम ले रहे हैं कलेक्टर एडिशन के साथ,
मैग्नेट स्टिकर में साइज इससे कम रहेगा। यशु जी नमस्कार, शुभम जी धन्यवाद, मैंने उल्टा लगा दिया, मैं हमेशा उल्टा लगाता हूँ मोबाइल। शाहबाज जी धन्यवाद। आकाश जी काम चल रहा है हमारे प्रेम पे और अपना जो भी टाइम है वो लेगा, क्वालिटी वर्क में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता, कैंसिल किया जाता है। पुनीत जी नमस्कार, ट्रेडिंग कार्ड्स दोस्तों जरूर लेके आएंगे। कौन का वृतांत कवर मैं समझा नहीं, वेरिएंट कवर, वेरिएंट कवर मित्र कल आएगा, उसकी किताब कल बन के आएगी, कल एक बार फिर आपके सम्मुख आ जाएंगे। रमन नेगी जी उस पर काम चल रहा है, ग्राउंड जीरो पे बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। धन्यवाद मित्र इंद्र इंद्रशी जी धन्यवाद। और दोस्तों आज हमने अपने यूट्यूब चैनल पे जो पार्ट 5 है किसने झापड़ मारा ध्रुव को ऑडियो कॉमिक्स वो डाली है, आशा है आपको पसंद आएगी, जरूर देखिए। एक ही डिज़ाइन है मित्र, कॉम्बो के साथ में एक ही डिज़ाइन है मोबाइल स्टैंड का। सौम्या जी नमस्कार, साहिल अंसारी जी पापा फेरी, सर्व नायक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सभी कोई अपडेट्स। मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ मित्र। रंजीत जी, सभी सुपर हीरोज की स्टैंडीज हमारी ऑनलाइन स्टोर पे उपलब्ध हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तेरह घंटे का कवर आप फेसबुक पे ट्राई कीजिए, यहाँ मैं नहीं दिखा सकता। और कुमार जी, अगर कॉमिक्स बिकती रही तो लोमड़ी की अलग से कॉमिक्स जरूर बनेगी। शाबाश जी, शक्ति को जरूर वापस लाएंगे। सत्या नहीं निकल दो ना, कोई नहीं, ठीक है। न्यू पेपरबैक्स कौन कौन से आएंगे मैं समझा नहीं। और जी यथारूप मुझे पसंद नहीं है मित्र, शर्मा डीएस कौन सी कॉमिक्स आप कह रहे हैं नहीं डाली, सर्प संग्राम ये आपको कहाँ से सूचना मिली। मित्र सर्प संग्राम की सूचना कहाँ से मिली कि इसमें नहीं है,
सत्य संग्राम कौन सी कॉमिक्स थी? सत्यंग्राम कौन सी कॉमिक्स थी? चलिए चेक करके बताएंगे। क्षत्रिय मौर्य जी, मैं आपको दोनों किताबें दिखा चुका हूँ पहले ही। इस 10 दिन में जो किताबें मैंने आपको दिखाई हैं, जो तैयार किताबें हैं, वह तो सब आ ही रही हैं। इसके अलावा जो और कुछ किताबें हैं, उनमें एक नाम है भोपाल का धिक्कार और अंतर्द्वंद। इसको लेके आने का कारण है इसको लाने का जो कारण है वो क्योंकि हम भोपाल की सीरीज शुरू कर रहे हैं, धिक्कार अंतर्द्वंद और से आगे की, जो युगांधर में कहानी छूट गई थी उससे आगे की कहानी जो है वह मृत्युरथी कॉमिक्स में आप पढ़ पाएंगे, जल्दी ही आप तक पहुँचेगी। नहीं, इसमें है या नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं ना, इसमें जो भी मित्र अपनी अलग अलग डिमांड रख रहे हैं, जिनको मैं अगर एड्रेस नहीं कर रहा, जिसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहा, ये ना समझें कि आपके जो सवाल हैं, जो डिमांड हैं, वो मुझ तक नहीं पहुंचे हैं। सारे मैं अभी जितने पढ़ पा रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ, और इसके पश्चात जब मैं ऑफलाइन हो जाऊँगा उसके बाद मैं दोबारा उनको देखता हूँ कि आपको क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं, क्या क्या आपके सुझाव हैं, क्या क्या आपकी मांग है, वो सारी की सारी चीज़ों को दोबारा से देखा जाता है। और कोशिश की जाती है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपके डिमांड्स को पूरा किया जा सके। महेंद्र जी, धन्यवाद। गौरव जी, राम राम। अनूप जी, आप दोबारा कमेंट कीजिए, निकल गया आपका कमेंट, कमेंट शायद मैं एड्रेस नहीं कर पाया। मनीष जी, मैग्नेट स्टिकर्स बनी रहे हैं। सर्प संग्राम के बारे में आपने पूछा था, सर्प संग्राम कॉमिक जो है अभी बन रही है। इनफैक्ट 2020 सीरीज की कई कॉमिक्स जो हैं अभी बन रही हैं। पुष्पेंद्र जी, सभी नागराज आएंगे, NN भी आएगा, आतंकर्ता भी आएगा, विश्व रक्षक भी आएगा। और जैसा कि आपको पता है कि एक अच्छी कॉमिक्स के लिए एक लिमिटेड
टीम के चलते जो समय उसके लिए आवश्यक है वो लगेगा। दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ चलते चलते। ये हमारा सी है, अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का बेहतरीन किताब है, पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा है और कलेक्टिबल भी बहुत अच्छा है। इसको आप जहाँ से कहें मैं वहाँ से खोल लेता हूँ, पूरी किताब खुलती है, कोई इसको बहुत नाजुक चीज़ की तरह मैं नहीं हैंडल कर रहा, पूरी किताब खुल रही है, आप देख सकते हैं। आप इसका ये एंड पेपर देख सकते हैं, पूरा खुल रहा है, ये देखिए। तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं और कलेक्शन के लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है ही। इसका बुकमार्क भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका स्लिप केस कवर है, बहुत ही शानदार है और स्टर्डी है। ये इसका बॉक्स है, गजब का है, ये ग्रे में है, इसमें ब्लैक में सिल्वर मिक्स है, बहुत ही शानदार है। पैकिंग जो हम अपने पास से करके दे रहे हैं, पैकिंग ऐसी है, इसको हम बॉक्स के अंदर रख के दे रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर। इसके बाद ये सेलर्स के पास जा रहा है, सेलर्स किस तरह इसको पैक करते हैं वो उनका अपना सिस्टम जो भी रहेगा वो रहेगा। इसके अलावा मैंने आपको दिखाई है आधिपत्य, भेड़िया की शुद्धिकरण सीरीज का दूसरा भाग। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इसका जो है पांच भाग नरेश जी पूरे बना चुके हैं। कोशिश करूंगा कि जैसे ये अनाउंस इस सेट में नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये तैयार कर दी गई तो ये पहले पब्लिश हो गई। इसके अलावा नाग पर्व है, नाग ग्रंथ का दूसरा भाग आदि पर्व के बाद। ये इसका विज्ञापन है, कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरी पेज आपको ना दिखाई दे, इसलिए थोड़ा सा और आखिरी पेज इस कॉमिक्स का जो मैं आपसे छुपा रहा हूँ। विश्वास कीजिए, जब आप वहाँ पहुँचेंगे उसे आप पढ़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन इसकी इस पार्ट की जो एंडिंग है बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों ये हो गया, इसके अलावा मैंने आपको 11 कॉमिक्स परमाणु की दिखाई थी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले हफ्ते में वीकेंड तक। धन्यवाद, जय जुनून।